प्रजापति स्वागतम महादेव उमासुत स्वागतम सबके दुलारे नैनन तारे रात श्री गणपति स्वागतम देव सेनापति स्वागतम महादेव उमासुत स्वागतम सबके दुलारे नैनन तारे भ्रात श्री गणपति स्वागतम। का वध कर तुम भय मुक्ति दीन्ही त्रिजग में कोई तेरा नहीं सानी ताड़ का वध कर तुम भय मुक्ति दीन्ही त्रिजग में कोई तेरा नहीं सानी कीर्ति तेरी जैसे किसी की नहीं ऐसी चंद्र कला भांति फैली तेरी ख्याति चंद्र मोलेश्वर महादेव सुत स्वागतम शिव शंकर सुत उमा दुलारे स्वागतम गणनायक गणपति भ्रात श्री स्वागतम शिवनंदन श्री मयूरेश्वर जी स्वागतम देव सेनापति स्वागतम महादेव उमासुत स्वागतम सबके दुलारे नैनन तारे भ्रात श्री गणपति स्वागतम। नर नारी देव गण हर मन हर्षित कण कण कर रहे पुष्प समर्पित नर नारी देव गण हर मन हर्षित कण कण कर रहे पुष्प समर्पित हर वस्तु है भिन्न सब में तेरा चिन्ह साज अलग सारे पर एक सरगम चंद्र मोलेश्वर महादेव सुत स्वागतम शिव शंकर सुत उमा दुलारे स्वागतम गणनायक गणपति भ्रात श्री स्वागतम शिवनंदन श्री मयूरेश्वर जी स्वागतम देव सेनापति स्वागतम महादेव उमासुत स्वागतम सबके दुलारे नैनन तारे भ्रात श्री गणपति स्वागतम देव सेनापति स्वागतम। पुत्र, देवताओं के सेनापति के रूप में तुम्हारी विजय से मैं गर्व अनुभव कर रहा हूँ। अद्भुत शक्ति के अवतार के रूप में अद्भुत तरीके से विजय प्राप्त करके अमर लोक में ऊंचा स्थान पाने वाले तुम्हें यह संसार सदैव पूछता रहेगा। पिताश्री, आपके आशीर्वाद और देवताओं की सहायता से ही मुझे ये विजय प्राप्त हुई है। कुमार, अपनी विजय को तुम साधारण समझते हो, परंतु ये विजय उतनी आसान नहीं थी जितनी तुम सोचते हो। महान शक्तिशाली ताड़कासुर का वध तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता था। देवलोक के रक्षक देव सेनापति के पास इस विजय से बढ़कर आपके चरणों में अर्पित करने के लिए मेरे पास देवलोक में और कुछ भी नहीं था। महादेव, नारायण नारायण, इतना बड़ा उपहार कार्तिकेय को केवल देवेंद्र ही दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों, क्या बात है पुत्री, तुम उदासी नजर आ रही हो। मैं भी कुछ समय से यही चिंतन कर रहा था। परमेश्वर की कृपा से लाखों देवी देवता इस विजय से प्रफुल्लित हैं, फिर भी आपके चेहरे पर संतोष नहीं है। नारद जी, अब आपसे कोई बात छिपी है क्या, आप ही बता दो। ओहो, समझ गया, इनकी सगी बहन देवी अमृता यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कदाचित यही कारण हो। अमृता वेली? हाँ देवी, क्या तुम्हें याद नहीं, हमारे कुमार की अर्धांगनी बनने के लिए जो प्रार्थना करती थीं अमृता वेली और सुंदरा वेली, अरे वही देवी जिन्हें हमने दर्शन दिया था। सारी जगत के पिता
पार्वती माता, हम दोनों बहनों का सपना है कुमार से विवाह रचाकर हम एक साथ सुखद जीवन बिताएं। हमें आशीर्वाद दीजिए। देवाधिदेव, माँ पार्वती के हृदय में जैसे आप विराजमान हैं, वैसे ही तुम्हारे के हृदय में हम विराजमान रहे। हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। आप लोगों का भविष्य तो राजकुमारियों के जैसा है। ये बात तो आपके बिना बताए भी हम जानते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे हृदय में सपना है वो पूरा होगा या नहीं। वो बता सकते हो तो बताओ। बता सकते हैं, निसंकोच सब कुछ बता सकते हैं। हाँ तो फिर अपनी हस्तरेखा दिखाइए। इस बंजारे को आपकी हस्तरेखा देखनी है। अरे वाह, दोनों ने अपना हाथ एक साथ दिखा दिया। दोनों की रेखाएं एकदम एक जैसी है। स्वप्न पूरा होने में है तनिक संदेह। हाँ तनिक संदेह। हम है बंजारे भाग्य बताए कैलाश घूम के हम आए हैं यहाँ। शिव चरण की करके सेवा। तुम्हारे सपने के बीच में एक छोटी सी बात बाधा बनकर आ रही है। हमारा सपना पूरा होगा या नहीं, यही हम जानना चाहते हैं। पूरा तो होगा, परंतु बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, रेखाएं कह रही हैं। संभव होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, विस्तार से समझाइए। संभव तो है, परंतु। परंतु क्या? इस जन्म में विवाह तो होगा, परंतु स्वयंवर का ये सपना पूरा होगा अगले जन्म। मोर पे सवारी करके आएगा स्वयंवर का ये सपना पूरा होगा अगले जन्म। मोर पे सवारी करके आएगा उस दिन। हमारे निर्देश के अनुसार गंगा किनारे कठिन तपस्या करते हुए कुमारी कन्या के रूप में ही समाधि लेने वाली दो बहनों में से सुंदरा वेली ही हमारी बहू है। अमृता वेली नंबियार राजा की सुपुत्री बनकर भूलोक में ही जीवन बिता रही है। एक ही घर में जन्म लेकर एक ही जैसा वर पाना किसी भी जन्म में संभव नहीं है, इसीलिए एक दूसरे की याद आना स्वाभाविक है। चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारी बहन राजवंश में आराम से जीवन व्यतीत कर रही है। देवी की यदि आज्ञा हो तो अब इन्हें जगत के कल्याण के लिए जाने दे स्वामी। सही बात है कुमार, तुम शीघ्र भूलोक में जाकर
नामयार राजा की पुत्री वेली के रूप में जन्मी अमृता वेली के साथ विवाह रचाकर उसे यहाँ ले आओ, तभी जाकर इस देवलोक की उदासीनता दूर होगी। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। नारायण नारायण, एक अच्छे कार्य पर जाते समय गणेश जी को साथ नहीं ले गए, ये अच्छा नहीं हुआ। कदाचित आप मोटे हैं इसलिए नहीं ले गए। नारद जी, कदाचित शीघ्रतावश वो मुझे अपने साथ ले जाना भूल गए हो। अति उत्तम, ये बात तो सभी जानते हैं, विघ्नेश्वर के बिना कोई भी कार्य शुरू हो तो उसकी पूर्ति नहीं होती। यहाँ तक कि आपकी माता पार्वती चाहेगी तो भी ये असंभव है। कुछ भी हो, चाहे अज्ञानतावश ही सही आपका तिरस्कार तो हुआ है, परंतु इसे भूल जाना ही उचित है। नहीं नारद जी, मैं ऐसे अपराध को क्षमा नहीं करता। अरे रे रे, लगता है तीनों लोकों में बहुत उथल पुथल होने वाली है। नारायण नारायण। मेरी आज्ञा तुमको याद है ना? जी महाराज। क्या है दोहराओ। बिना जान पहचान के किसी भी प्राणी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल ठीक। बुद्धिमान है क्यों लंबू? हाँ हाँ, बुद्धिमान तो है, परंतु बुद्धि का सही उपयोग करने की युक्ति है कि नहीं इसमें मुझे संदेह है। वो तो नहीं है, परंतु हम दोनों तो है ना इसको सही समय पर सही उपदेश देने के लिए। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अंदर जाने का आदेश नहीं है। यह आदेश किसने दिया है? हमारे नामयार राजा ने। ओहो, उनका आदेश न मानकर भी तो कोई अंदर गया। कौन? है कौन? मेरा शिकार। क्या कहा, शिकार? हाँ, मैं कई दिनों से जिसका शिकार करना चाहता था वो हिरनी अंदर है, मुझे जाने दो। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? आप अंदर नहीं जा सकते। परंतु मेरा शिकार तो अंदर है ना? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे भी अंदर जाने दो, तभी तो मैं उसे ढूंढ कर पकड़ पाऊंगा। आहा, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि हमें हमारे कर्तव्य की चिंता ही नहीं। तुम्हें हो या ना हो, लेकिन मुझे तो है, इसीलिए तो उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे जाने दो। असंभव, हम किसी मनुष्य को तो क्या किसी पक्षी तक को भी अंदर नहीं जाने देंगे। सत्य है, हमारे परिचित लोगों के सिवा किसी को भी अंदर नहीं जाने देना, यही राजा का आदेश है ना? हाँ भाई, बिना परिचय किसी को भी अंदर मत जाने देना, ये पिताजी का आदेश है और हम भी अनुमति नहीं देंगे। ये तो शिकारी लगता है। बिल्कुल सही है, तुम अंदर जा सकते हो, परंतु राजकुमारों क्या ये उचित होगा? वो निर्णय हम करेंगे। बात समझने का प्रयत्न करो, यदि हमारे द्वार से एक क्षत्रिय निराश होकर वापस लौटे तो हमें बहुत पाप लगेगा। और इसे शिकार करने से रोकना और भी बड़ा पाप है, मत रोको इसे। जो आज्ञा राजकुमार। ए शिकारी, तुम जल्दी से जाके अपनी हिरणी को पकड़ लो, परंतु तुम उसे पहचान पाओगे ना? तुम ऐसी वैसी हिरनी को पकड़ के मत ले जाना, समझा देते हैं। हाँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं जिसकी खोज में आया हूँ उसी को पकड़ के ले जाऊंगा। क्या तुम उसको पालोगे? पालना ही मेरा उद्देश्य है। तो फिर जल्दी जाओ। कितना सुंदर नौजवान है, उसके मुख पर कितना तेज है, है? जिस हिरनी को ये ढूंढ रहा है उसे देखने का मन कर रहा है। यदि हम आंख मिचोली खेले तो पहले तेरी बारी। नहीं, पहले इसकी बारी है। हाँ तो फिर हम इसी से प्रारंभ करते हैं, ठीक है? ये कैसी दृष्टता है? कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? आहा, तुम ही मेरे सपनों की रानी हो। क्या कहा तुमने? तुम किससे बात कर रहे हो जानते हो? अपना दिल चुराने वाली हिरनी से और किससे? हाँ? क्या कहा? क्या तुमने इस वाटिका में हिरनी को आते हुए देखा? तभी तो उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वो यहाँ पर है, तुमसे किसने कहा? मेरे मन ने और मेरे मन में बसे प्रेम ने। आहा, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर कोई हिरनी नहीं आई है। जन्म से ही यहाँ रहने वाली हिरनी को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? जैसी करनी चाहिए, वो अद्भुत हिरनी है। तब तो वो अवश्य कोई विचित्र प्राणी ही होगा,
विचित्र प्राणी कहो विचित्र मानसी कहो, लेकिन वो दोनों का मिश्रण है। ओहो, यहाँ पर कोई इतना विचित्र प्राणी है तो मैंने अभी तक उसे क्यों नहीं देखा है? लेकिन मैंने तो देखा है। कब, कहाँ पर? अभी यहीं पर। तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ने के लिए ही तो निकला हूँ। तो जाओ उसे जाकर पकड़ो ना। कहाँ जाके पकड़ो, जब वो यहीं पर है तो कहीं जाने की क्या आवश्यकता? तुम कहीं पागल तो नहीं हो? बिना परिचय के कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? परिचय करने के लिए ही तो निकला हूँ। क्या कहा तुमने? शिकार को अपने वश में करने आया हूँ। तो फिर यहाँ समय व्यर्थ ना करो, उसे जाकर ढूंढो। जब से यहाँ आया हूँ समय का पता ही नहीं चल रहा। तुम शिकारी हो या पागल हो, तुम्हें किसी का भय नहीं है क्या? मुझे कैसा भय? भय तो औरों को मुझसे होता है। ओहो, तो फिर मुझे भयभीत करने की चेष्टा भी मत करना। इस वाटिका के अंदर भय नाम की कोई वस्तु भी है मैं जानती ही नहीं। अर्थात हम दोनों की प्रवृत्ति एक सी है। क्या कहा तुमने? नाम्बियार राजा की इकलौती पुत्री के सामने खड़े हो तुम, ये मत भूलो। अभी तक मैं तुमसे वार्तालाप करती रही क्योंकि मैं तुम्हें अपने ही गोत्र का समझ रही थी। अब तुम अपने रास्ते लौट जाओ। अपने कार्य की पूर्ति के बिना मैं यहाँ से कैसे चला जाऊँ? ये उचित नहीं है, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो अपने मन की हिरनी के लिए। ये कैसी मूर्खता है, कुछ भी कहो तो हिरण को सामने ले आते हो। सच कहा, वो मेरे मन की शिकार है जिसके पीछे मैं पागल हूँ। ऐसा भी कोई जीव है क्या? ऐसा जीव इस धरती पर नहीं, तुम्हारे हृदय में होगा। स्वर्ग में रहने वाली, इस धरती पर जन्म लेकर मेरे मन में रहकर मेरे मन को मोहने वाली हिरनी है वो। ओहो, तो उस हिरनी को इस वाटिका में क्यों ढूंढ रहे हो? अपने मन में ही ढूंढ लो जहाँ वो रहती है। अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? अरे हट जाओ, जाने दो मुझे। मुझे निराश करके इस तरह कहीं जाना क्या न्यायपूर्वक है? काल्पनिक वस्तु की इच्छा रखोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, नहीं जानते क्या? मैं जानता हूँ यहाँ निराशा नहीं होगी। जो मिल सकता है उसी की आशा रखनी चाहिए। प्रयास किए बिना कैसे पता चलेगा कि आशा मिलेगी या निराशा मिलेगी? तुम कोई देव हो या साधारण मनुष्य? मनुष्य कहो या मनुष्य के रूप में देव कह लो। अगर तुम इतने ही महान हो तो फिर एक साधारण हिरनी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो साधारण हिरनी नहीं, जिसे मैं ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ, वैसा अनुपम सौंदर्य स्वर्ग लोक में भी नहीं है। सौंदर्य की एक अनूठी कलाकृति है वो, सौंदर्य की देवी है वो। बस बस, और अधिक गुणगान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में बसने वाली वो हिरनी तुम्हारे मन के अलावा यहाँ पर होगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अपना समय व्यर्थ मत करो, चले जाओ। जिसे मैंने देखा है उसे प्राप्त किए बिना कैसे चला जाऊँ? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है, चले जाओ। अपनी हिरनी को प्राप्त किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। यही तुम्हारा निर्णय है? मैंने जो निश्चय किया है सदैव पूर्ण ही किया है। तो फिर उसकी परीक्षा हो जाए। सिपाहियों, यहाँ आओ सिपाहियों। नहीं कुमारी, सिपाहियों को साक्षी बनाने की आवश्यकता नहीं है। छी, ऐसा तुम ही सोच सकते हो। सुनो सिपाहियों, जल्दी यहाँ आओ। अभी आए। अरे क्या बात है राजकुमारी जी? कुछ नहीं, कहाँ गया? कौन? कोई नहीं। तो बुलाया क्यों? यूं ही, तुम काम ठीक से करते हो या नहीं ये देखने के लिए। बहुत बढ़िया, आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी हमें पुकार कर देख लीजिएगा। पुकार सुनते ही उपस्थित हो जाएंगे। क्या बात है पिताश्री? पुत्री, तुम्हें इस वन वाटिका में रहने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं पिताश्री। अच्छा, बड़ा ही मनमोहक स्थान है ये। क्या, इस वृक्ष को तो आज से पहले मैंने यहाँ पर कभी भी नहीं देखा था। पुत्री, मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम लोगों ने देखा? नहीं। ये तो बड़ी अद्भुत बात है, इतना बड़ा वृक्ष आज तक किसी ने नहीं देखा। मैंने इसे देखा है। हाँ, उसे काट दिया जाए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, ये वृक्ष सही स्थान पर नहीं है। सिपाहियों, तुम लोग तुरंत इस वृक्ष को काट कर यहाँ से हटा दो। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, आपने कोई आवाज सुनी? हाँ सुनी पुत्री, इसका मतलब ये वृक्ष बोलता है, इस वृक्ष को मत काटना। पुत्री, मैं इस वृक्ष को लेकर थोड़ा असमंजस में हूँ, इसलिए तुम इसके समीप मत जाना। ठीक है पिताश्री। देखो, तुम लोग दिन रात यहाँ पर पहरा देना, अगर कुछ भी शंका हो तो मुझे तुरंत आकर सूचित करना। जो आज्ञा। ओह, उस मूर्ख शिकारी से किसी तरह पीछा तो छूटा। नहीं वेली, मैं यहीं पर हूँ।
ओहो, इसका अर्थ ये है कि तुम केवल शिकारी ही नहीं मायावी भी हो। मैं अपनी वेली के लिए कुछ भी बन सकता हूँ, हवा बनना हो आंधी बनना हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिताजी ने उस वृक्ष को कटवाने का आदेश दिया था। किंतु तुम ऐसा नहीं होने दोगी मैं जानता था। मैं नहीं होने दूंगी। ए शिकारी, बात करने की भी कोई सीमा होती है, उसे पार करोगे तो दंड दोगी ना? तुम मुझे जो भी दंड दोगी वो मुझे स्वीकार होगा। लगता है तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, इसी क्षण यहाँ से चले जाओ नहीं तो बहुत कठोर दंड मिलेगा। इतनी सी बात है, तुम्हारे लिए तो मैं जीवन देने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाहियों जल्दी आओ। रुको रुको, मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ, मुझे छूने का साहस कैसे किया तुमने, इस दुस्साहस का दंड मिलेगा। कल्पना, कुमोद, जल्दी आओ। उन्हें क्यों कष्ट देती हो, जो कहना है मुझसे कहो। सिपाहियों, सिपाहियों। क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार जी, क्या हमें क्या पुकारा? यूं ही। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, यूं ही हमें बुलाया और यूं ही इधर उधर देख रही हो। अवश्य तुम कुछ छुपा रही हो। मैं भला क्या छुपाऊंगी? हम क्या जाने, कुछ विशेष अवश्य है। यहाँ पर कोई आया था क्या? यहाँ पर कौन आएगा? हाँ आए थे, मेरे पिताश्री और मेरे दोनों भाई, ये तो तुम लोग भी जानती हो। ओ, हम तो कुछ नहीं जानते, परंतु पता लगा लेंगे। क्या? नन्हा सा हृदय किसी को ढूंढ रहा है। बस करो, बहुत हो गया। तुम लोग जाओ यहाँ से। ठीक है, हम चलते हैं। चल रही, अपना काम करते हैं। राजकुमारी, तुम यहाँ अपना काम करो। रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, कांच वाली, मोती वाली, चांदी वाली, सोने वाली। रंग रंग की चूड़ियाँ, मनहारी चूड़ियाँ, हर नारी के मन को भाए ये चूड़ियाँ। लाल लाल, हरी हरी, काली पीली, नीली नीली रंग की चूड़ियाँ। जो भी मन चाहे ले जाओ आके, चूड़ियाँ लाया हूँ मन पसंद। जो भी मन चाहे ले जाओ आके, चूड़ियाँ लाया हूँ मन पसंद। यूं लागे जैसे छेड़े कोई सरगम, जब हाथों में बजे ये चूड़ी छन छन, हाथों में बजे ये चूड़ी छन छन। मोती वाली, चांदी वाली, सोने वाली। रंग रंग की चूड़ियाँ, मनहारी चूड़ियाँ, हर नारी के मन को भाए ये चूड़ियाँ। लाल लाल, हरी हरी, काली पीली, नीली नीली रंग की चूड़ियाँ। आप हमारे साथ चलिए। कहाँ पे? हमारी राजकुमारी के कक्ष में। किंतु है कहाँ तुम्हारी राजकुमारी? इसी वाटिका के अंदर। वाटिका के अंदर? जी हाँ, इसी वाटिका में विश्राम कर रही है हमारी राजकुमारी। अच्छा अच्छा, ये सारे सैनिक राजकुमारी की सुरक्षा के लिए, किंतु राजकुमारी के योग्य चूड़ियाँ इस समय मेरे पास नहीं है। जब उनके योग्य चूड़ियाँ मेरे पास होंगी तो मैं पुनः आ जाऊंगा। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सिपाहियों के बीच में रहती है राजकुमारी। रुक जाओ, तुम किसे निराश करके जा रहे हो जानते हो? हमारे राजा नंबियार जी को पता चल गया कि उनकी पुत्री को तुमने निराश किया तो? नंबियार राजा की सुपुत्री है राजकुमारी, तभी तो ये सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े हैं। सच कह रहे हो, किंतु मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता तो साथ में चलो, राजकुमारी को देख भी लेना और साथ में चूड़िया भी पहना देना। राजकुमारी दिखने में कैसी है? कैसे भी हो, तुम्हें उससे क्या, तुम भी बड़े रंगीले आदमी लगते हो। सच कहा, मुझ जैसा चूड़ी वाला तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है चलो। हाँ, और एक बात सुन लो, तुमने वहाँ थोड़ी सी भी चालाकी की तो तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे। चाहो तो सर काट लेना, पर पैर काटोगी तो मैं चलूंगा कैसे? क्या कहा? मर्यादा में रहकर बात करना सीखो। क्षमा करना, जो मेरे हृदय में है वही मेरी जिह्वा पर भी। कहीं ऐसा ना हो मैं राजकुमारी का हाथ पकड़ूं और तुम लोग। क्या कहा? तुम राजकुमारी का हाथ पकड़ोगे? हाथ नहीं पकड़ूंगा तो उन्हें चूड़ी कैसे पहनाऊंगा? हाँ, तब तो ठीक है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। हाँ, समझ सकती हो, तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। वैसे तुम आदमी बुरे नहीं लगते। बुरा होता तो यहाँ इस वेश में क्यों आता। ठीक है चलो अंदर। कहाँ है तुम्हारी राजकुमारी, दिखाई नहीं दे रही? अपने कक्ष में है, चलिए।
बैठिए। आह, ये लो, बिल्कुल तुम्हारे हाथ की माप की हैं। इतनी अच्छी चूड़ियां तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तनिक दिखाओ तो। बहुत अच्छी चूड़ियां हैं, है ना कुमुद? तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी तरह जचेगी। जरा पहना के तो दिखाओ। मेरे हाथों में आएंगी क्या? पहन के देख लीजिए। पहना दो। मैं पहनाऊं? नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? चूड़ी वाले का तो ये धर्म है ना। किंतु एक पर पुरुष आपको हाथ लगाए तो। चूड़ी पहनाने के लिए कोई बात नहीं। इसके लिए मुझे राजकुमारी की अनुमति चाहिए। मैंने कह दिया ना, पहनाओ। बाद में झगड़ा तो नहीं करेंगे? किस लिए? हाथ में चूड़ियां पहनाते समय आपको थोड़ी पीड़ा भी हो सकती है। कोई बात नहीं, तुम पहनाओ। आह, कितना कोमल हाथ है। ए, चूड़ियां पहनाओ। मैंने कहा था ना, आप अभी से रूठ गई। मैं नहीं पहनाऊंगा, स्वयं पहन लीजिए। नहीं, मैं रूठी नहीं हूँ। ये ना, बड़ी सावधानी से करने वाला काम है। पहले कलाई को पकड़कर प्रेम से सहलाकर एक एक चूड़ी पहनानी होती है। ये देखो, ऐसे देखो तो। आह, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। ए, व्यर्थ की बातें मत करो। तुम जहाँ खड़ी हो चुपचाप खड़ी रहो। अरे, क्या कहा? जल्दी से चूड़ी पहनाकर निकलो यहाँ से। ये कुछ अधिक ही बोलती है ना राजकुमारी? ये सारी मोतियों से जड़ी चूड़ियां कलाई भर के पहनाऊंगा, तभी इन कहाँ छोड़ूंगा। तो फिर विचार क्या कर रहे हो? तुम बीच में मत बोलो। क्या, मैं बीच में बोल रही हूँ? जानती हो, मेरी चूड़ियां पहनने के बाद पहनने वाली खिलखिलाकर हंस पड़ती है। इन्हें देखो। राजकुमारी के केवल मन में ही नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता छलक रही है। अब तनिक दूसरा हाथ लाइए। इतनी अच्छी चूड़ियां पहनाते समय झगड़ा किस बात का? इस हाथ में भी पूरी कलाई भर के चूड़ियां पहनाऊंगा। ए, व्यर्थ की बातें बंद करो और चूड़ियां पहनाकर यहाँ से निकल जाओ। अभी तो चूड़ी पहनाना प्रारंभ किया है। ये पुरानी चूड़ियां मेरी चूड़ियों के बीच में अच्छी नहीं लग रही है। आह, कितनी सुंदर है ये कंगन। हाथ से और हाथ कंगन से मिलकर एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। छी, धिक्कार है, कैसे पुरुष हो? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं है? चले जाओ यहाँ से। इस समय मैं आपके अधीन हूँ राजकुमारी, आप जो चाहे दंड दे सकती हैं। चुप रहो, तुम दोनों इस चूड़ी वाले को तुरंत यहाँ से बाहर ले जाओ। वही क्रोध और वही अकड़, लगता है जैसे उस कोमल तन के अलंकार है। आह, इस राजकुमारी के साथ रहने वाले तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। ए, जाओ यहाँ से। हैं? बाहर जाने को कहा ना? पहले तुम लोग स्वयं मुझे अंदर लेकर आई और अब बाहर जाने के लिए कह रही हो, क्या यही मर्यादा है? तुम्हें कौन सी अपनी मर्यादा याद रही? राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार करने का साहस कैसे किया? हा? मैंने चूड़ी पहनाने के लिए ही तो राजकुमारी का हाथ पकड़ा। क्या कहा? तुम चुपचाप जाते हो या नहीं? तुम दोनों कन्या नहीं होती ना तो। चुपचाप जाओ यहाँ से, चले जाओ। दोबारा यहाँ आने का साहस मत करना। यहाँ से जाओ। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है स्वामी? नारद जी, शिकारी भी बना, चूड़ी वाला भी बना, कोई लाभ नहीं हुआ, क्या करूं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो आपकी परीक्षा है, मैं क्या बता सकता हूं? ये बात नहीं है नारद जी, राजकुमारी वेली के साथ मैं कुछ पल भी नहीं रह सका। वो जिस स्थान पे रहती है वहां पर किसी पुरुष का साया तक नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नंबिया राजा का आदेश है। यदि स्त्री बनकर वहां जाए तो? मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या नारद जी? नारायण नारायण, पार्वती पुत्र की परीक्षा ब्रह्मपुत्र कैसे ले सकता है? मैं तो ये पूछ रहा था कि स्त्री रूप धारण करके वहाँ जा सकते हैं क्या? वृद्ध पुरुष बनकर भी तो जाया जा सकता है। अवश्य, आपकी बुद्धि बहुत महान है। यदि वृद्ध बनकर जाएं तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छू सकते हैं। आपने उचित कहा नारद जी, ये रूप उचित है नारद जी। अति उत्तम, आपके इस रूप को देखकर आपके लिए सारे द्वार खुल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। नारायण नारायण। सच्चिदानन्दं ब्रह्मं पारब्रह्म परमेश्वरं माया बंधन मुक्त करो शिवनंदन पे दया करो। सच्चिदानन्दं ब्रह्मं पारब्रह्म परमेश्वरं माया बंधन मुक्त करो शिवनंदन पे दया करो। शंभु शंकर गौरीपति विनति सुनो शिव गौरीपति, शंभु शंकर गौरीपति विनति सुनो शिव गौरीपति।
गिरी गोद में तप किया मैंने, हर द्वारे में भजन किया। हिमगिरी गोद में तप किया मैंने, हर द्वारे में भजन किया। काशी रामेश्वर दर दर घूमा, मुख से सदा ही शिव शिव गाया। शंभू शंकर गौरीपति विनती सुनो शिव गौरीपति, शंभू शंकर गौरीपति विनती सुनो शिव गौरीपति। सच्चिदानंदम ब्रह्मम पार ब्रह्म परमेश्वरम, माया बंधन मुक्त करो शिव नंदन पे दया करो। शंभू शंकर गौरीपति विनती सुनो शिव गौरीपति, शंभू शंकर गौरीपति विनती सुनो शिव गौरीपति। लौकिक सुख को मैंने है त्यागा, भिक्षा मांगू दर दर घूमू। लौकिक सुख को मैंने है त्यागा, भिक्षा मांगू दर दर घूमू। मन में संयम धर के चला हूँ, पालन करने वचन चला हूँ। शंभू शंकर गौरीपति विनती सुनो शिव गौरीपति, सच्चिदानंदम ब्रह्मम पार ब्रह्म परमेश्वरम, माया बंधन मुक्त करो शिव नंदन पे दया करो। शंभू शंकर गौरीपति विनती सुनो शिव गौरीपति, शंभू शंकर गौरीपति विनती सुनो शिव गौरीपति। स्वामी स्वामी आप कोई जादूगर हो? प्रणाम स्वामी, आप कहाँ से आ रहे हैं है? और कहाँ तक जाना है बताइए। कहीं से आना है, कहीं चले जाना है, यही तो जीवन है। हाँ एकदम सही, स्वामी की बात शत प्रतिशत सही है। सही नहीं पुत्र, सत्य है। मानव के जीवन का एक महान सत्य, जो इस संसार में आया है उसे यहाँ से जाना होगा। स्वामी जी हम यहाँ के नंबी राजा के सुपुत्र हो, है ना? अरे रे, ये बात आपको कैसे पता चली? इस संसार में जो है उसे जो नहीं जानता वो मूर्ख है पुत्र। हाथ की रेखाएं देखना जानते हैं क्या? ये तो मेरा कर्तव्य है पुत्र। तो फिर मेरा हाथ देखकर मेरा विवाह कब होगा बताइए ना स्वामी जी। तुम चुप रहो। स्वामी ये तो छोटा बच्चा है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मेरे विवाह की उम्र बीती जा रही है, बताइए ना मेरा विवाह कब होगा? समय आने पर अवश्य होगा। यह जानने के लिए स्वामी की क्या आवश्यकता? स्वामी एक काम कर सकते हैं क्या, हमारी बहन वेली का विवाह कब होगा ये बता सकते हैं? वेली का विवाह होते ही हमारा भी विवाह करा देंगे, ऐसा पिताश्री ने कहा है। हाँ स्वामी जी देखिए पिताश्री आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। नंबी राजा, पुत्री के वियोग से तुम पीड़ित हो, तुम्हें सुंदर पुत्री प्रदान करने वाले साक्षात महादेव थे और राजा बनने का सौभाग्य प्रदान करने वाले भी। स्वामी कैलाशपति शिव के आशीर्वाद से ही मेरे यहाँ पुत्री जन्मी है क्या? आपकी ये बात सुनकर मेरे मन को अपार शांति मिली। चलिए अंदर चलिए। नहीं राजन, मैंने राजमहल में प्रवेश न करने की सौगंध ली है। आपको थोड़ा कष्ट दे रहा हूँ स्वामी, मेरी पुत्री का भाग्य देखने के लिए आपको अंदर चलना ही होगा। मुख देखकर जो बीता है और जो बीतने वाला है वो सब बता सकते हैं, ऐसा स्वामी ने कहा है। तुमसे मैंने पूछा क्या? मैं स्वामी जी से बात कर रहा हूँ ना। स्वामी मेरी पुत्री की विवाह की उम्र हो गई है, उसका विवाह कब कब होगा जानना चाहते हो, है ना? बताऊंगा, उसे यहाँ बुलाइए। वो अपने कक्ष में विश्राम कर रही है, यदि आपको कष्ट ना हो तो चले। ठीक है वहीं चलते हैं। Thank you.
बेटी। जी पिताश्री। स्वामी जी ये मेरी पुत्री। पुत्री जानती हो ये कौन है? नहीं पिताश्री। मेरे विषय में जानने जैसा कुछ नहीं है। बहुत बड़े ज्ञानी है, भूत और भविष्य के ज्ञाता है। पुत्री तीनों लोक के भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले महान योगी है ये। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सौभाग्यवती भव पुत्री। नंबी राजा, ये स्थान मुझे बहुत ही सुंदर लगा। हम जैसे साधुओं के ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। कुछ समय तक मेरा मन यही रहने को कर रहा है। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है स्वामी। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो मेरी पुत्री से कहिएगा। संसार के मोह को त्याग चुके इस वृद्ध को अब किस वस्तु की आवश्यकता होगी? जब तक ये आत्मा शरीर में है तब तक जीने के लिए कुछ साधन चाहिए और कुछ भी नहीं। पुत्री, स्वामी जी का पूरा आदर सत्कार करना तुम्हारा कर्तव्य है। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताश्री। जीवन के लिए जो भी आवश्यक उपदेश है वो मैं राजकुमारी को दे दूंगा महाराज। स्वामी जी मैं धन्य हो गया, अब आज्ञा दीजिए। निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ सब कार्य कुशल पूर्वक होंगे। चलो। स्वामी वेली का विवाह कब होगा? जब समय आएगा तब। आप शीघ्र कुछ कीजिए ना। उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ पुत्र। स्वामी आप हाथ देख के भविष्य बता सकते हैं? हाथ देखे बिना ही बता सकता हूँ पुत्रियों। अरे ये कैसे संभव है स्वामी? चेहरा देखकर पता चल जाता है कि मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है। हाँ तुम ये जानना चाहते हो ना विवाह कब होगा? आने वाले 9 वर्ष के पूर्व तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाना आवश्यक है, अन्यथा। अन्यथा क्या है स्वामी? अन्यथा मुझ जैसे वृद्ध की 8वीं पत्नी बनने के लिए तैयार रहना होगा। स्वामी मेरे साथ उपहास कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानना चाहती? अरे बाबा नहीं जानना। तुम समझदार प्रतीत होती हो। स्वामी मैं किसकी 8वीं पत्नी बनूंगी ये अभी से बता दीजिए, तभी मुझे संतुष्टि होगी। तो चुप करी, स्वामी ने कुछ कह दिया तो क्रोधित क्यों हो रही है? तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। बहुत ही शीघ्र दो सुंदर पुरुष तुम दोनों से विवाह करने वाले हैं। अब तो प्रसन्न हो? सच कह रहे हैं स्वामी। बस करो, स्वामी जी को तंग मत करो। अरे रे हम तो विशेष बात भूल ही गए। स्वामी जी आप राजकुमारी जी का हाथ देखकर बताइए कि उसका विवाह कब होगा, बताइए। यही सुनने के लिए तू उतावली हो? चलो जाओ यहाँ से। चले जाते हैं। ये चाहती है कि स्वामी जी जो कहेंगे वो हम नहीं सुने, तो हम लोग जाते हैं। स्वामी जी इसे सब कुछ विस्तार से समझा देना। स्वामी जी आह कितना सुंदर हाथ, कितनी उज्जवल रेखाएं, चांद सा चमकता हुआ, चंदन सी सुगंध लिए। स्वामी जी कोई देख लेगा। ये हाथ देखकर मन मचलने लगा। मचलने लगा? हाँ, भविष्य बताने के लिए। हाँ, रेखाएं भाग्य सम्राट को समेटे विश्राम कर रही हैं। बहुत ही सुंदर और बलवान पुरुष तुम्हारे जीवन में आएगा, जो इस कोमल हाथ को अपने हृदय से लगाएगा। हाथ छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? लज्जा आ गई क्या? वास्तव में जब ये होगा तब क्या करोगी? स्वामी जी आप किसी और विषय में बात कीजिए ना। वेली मुझे तीव्र भूख लग रही है, कुछ जलपान हो तो दो। क्षमा कीजिए स्वामी जी, मैं जलपान लाना तो भूल ही गई। तुम्हें देखने के पश्चात मैं भी सब कुछ भूल गया हूँ। मैं अभी जलपान लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए शहद और सत्तू। अरे रे इसे मैं कैसे खा सकता हूँ? शहद और सत्तू का मिश्रण बनाकर थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। मेरे दोनों हाथ कांप रहे हैं, मैं कैसे मिलाऊं? क्षमा कीजिए स्वामी जी मैं मिलाकर देती हूँ। तुम्हारे कोमल हाथों के स्पर्श से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। स्वामी जी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये लीजिए खा लीजिए। आ, 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 आ,
नहीं होगा वेली, इसको मैं स्वयं अपने हाथ से नहीं खा सकता। चिंता मत कीजिए, मैं खिला देती हूँ। स्वामी जी, आप जो देखते हैं वो है नहीं, आप मेरे दादा की उम्र के हैं इसीलिए क्षमा कर रही हूँ। वेली, मैं अपने तन के कंपन को स्वयं नहीं रोक पा रहा तो तुम्हें कैसे हानि पहुँचाऊँ। तुम्हारे यौवन को देखकर मुझे अपनी इस आयु में भी अपना यौवन याद आ गया है। बस बस, अब बहुत हो गया। अरे स्वामी जी, क्या हो गया? अरे देखो ना, आज यहाँ पर किसी ने पानी भी नहीं रखा। कल्पना, कुमुद, अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। स्वामी जी चलिए, समीप में तालाब है, वहाँ चलते हैं। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं आपको लेकर चलती हूँ, चलिए ना। हाँ आइए। स्वामी जी शीघ्र पानी पी लीजिए। अरे स्वामी जी, हे भगवान, मेरी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यहाँ और कोई नहीं, आप किस तरह बाहर आइए। मैं डूब रहा हूँ वेली, वेली मेरी रक्षा करो, रक्षा करो वेली, वेली, अरे भगवान। स्वामी जी, स्वामी जी, आइए उठिए। वेली, स्वामी जी मेरा हाथ पकड़ लीजिए। वेली, तुमने मुझे डूबने से बचा लिया, अब मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित करता हूँ। वेली, हिचकी रुक गई? हाँ, इतना सारा पानी जो पिया, हिचकी कैसे नहीं रुकेगी। वेली, तुम्हारा ये यौवन पानी में भीग कर और भी सुंदर हो गया है। स्वामी जी आप जाइए ना, मुझे अपने गीले वस्त्र बदलने हैं। तो लज्जा की क्या बात है, वस्त्र तो मेरे समक्ष भी बदल सकती हो। स्वामी जी आप यहाँ से जाइए, हम दोनों साथ ही चलेंगे ना। क्या आपके कहने का तात्पर्य क्या है? वेली, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं पूरी तरह बदल गया हूँ, तुम्हें छूते ही मैं तो चुप करो, बूढ़े हो इसलिए मैं सहन कर रही हूँ, इस तरह की बातें करते लज्जा नहीं आती क्या? सुनो वेली, पुरुषों के मन का अनुमान तुम उनके तन की अवस्था को देखकर मत लगाओ, मेरे मन का यौवन आज भी क्षीण नहीं हुआ है। ओहो वेली, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे विक्षिप्त कर दिया है, तुम्हारे बिना अब मैं एक पल भी नहीं जी सकता। असंभव, आपकी अवस्था देखकर ही इस बात का अनुमान हो रहा है। अवस्था देखकर मेरे यौवन का अनुमान मत लगाओ, पानी में जब मैंने तुम्हारे तन को छुआ था मेरी वृद्धावस्था यौवन में परिवर्तित हो गई, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आहा, बूढ़े को जवानी चढ़ते सुना तो था परंतु आज देख भी लिया। ए बूढ़े सुन लो, जिस रास्ते से आए हो ना उल्टे पांव लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ से लिए बिना मैं कदापि नहीं जाऊंगा। लगता है सिपाहियों से तुम्हें उठवा के फिकवाना पड़ेगा। मुझे? ऐसा कोई इस संसार में पैदा नहीं हुआ। वेली, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, शायद ये तुम नहीं जानती, मेरे सामने मानव तो क्या, देव और असुर भी खड़े होने का साहस नहीं कर पाते। मुझे डरा रहे हो? मेरा नाम भी वेली है और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें अपने प्राणों का भय भी नहीं है क्या? नहीं,
जंगली शेर का भी नहीं। मैं किसी से नहीं डरती, अगर ऐसा होता तो मेरे पिताश्री मुझे इस वाटिका में छोड़कर नहीं जाते। राजकुमारी जी, अपनी वाटिका में शेर घुसा है, जंगली शेर। हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। जंगली प्राणी से न डरने वाली एक शेरनी साधारण से शेर नाम मत लीजिए स्वामी जी। कितना डर गई हो तुम? हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, उसके नाम से ही भय लगता है हमें। और यदि वो हमारे सामने आ जाए तो? अरे, मुझे तो इस कल्पना से भी डर लग रहा है। सखियों, चलो कहीं जाके छुपते हैं। चलो 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 जल्दी। अरे वेली वेली, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के जा रही हो? नारायण नारायण। नारद जी, देवी अमृता कहाँ है? उसकी चिंता न करें नारद जी, उसे अपने साथ लेकर ही कैलाश लौटूंगा। तो फिर आप ध्यान किसका कर रहे थे? भ्राता का, सहायता के लिए। आपको अभी भी उनकी सहायता की अपेक्षा है? आपके कहने का तात्पर्य? वेली को आप जब लेने निकले थे तो विघ्नेश को साथ लाना भूल गए थे। ठीक कहते नारद जी, यही कारण है कि भ्राता अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। कोई बात नहीं, मैं प्रायश्चित करके भ्राता को मना लूंगा। भ्राता, अज्ञानवश इस अनुज से कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। अनुज को अगर भ्राता का सहारा नहीं मिला तो क्या होगा? हे अष्ट विनायक, हे विघ्नेश्वर, प्रसन्न हो। नारायण, अब सारी समस्या दूर हो जाएगी। नारायण नारायण। तो फिर राजकुमारी, तुमने हमें बुलाया क्यों नहीं? उसकी दाढ़ी पकड़कर घसीटकर बाहर निकाल देते। कुछ भी हो, बुढ़ा कोई नौजवान से कम नहीं है। चिता चढ़ने की उम्र में राजकुमारी से विवाह करना चाहता है वो। तुमने उसे यूं ही जाने दिया, अच्छा नहीं किया। राजकुमारी, अब तुम्हारा नाम वो कहीं भी बदनाम कर सकता है। ऐसे दुष्ट बुड्ढों को क्षमा नहीं करना चाहिए, अन्यथा सारे राजकुमार कुंवारे ही रह जाएंगे। ए, तू कैसे जानती है? कहीं वो तेरे पीछे तो नहीं पड़ा था ना? चल हट, तेरे पीछे आया होगा। अरे बचाओ बचाओ, भागो 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 यहाँ से, भागो। अब हम कहाँ जाएंगे? तो बचाओ, भागो यहाँ से। अरे कोई बचाओ, कोई रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, जंगली हाथी आ गया। रक्षा करो जंगली हाथी, रक्षा करो जंगली हाथी, रक्षा करो, रक्षा करो, भागो भागो, रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हो गया वेली? हाथी, वो भी जंगली हाथी स्वामी जी। बस इतनी सी बात है? कोई बात नहीं, हाथी को वश में करने का मंत्र मैं जानता हूँ। जानते हैं तो मेरी जान बचाइए ना स्वामी जी। आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य? उसका मैं क्या करूँ? तो आपको क्या चाहिए? तुम्हारा प्रेम। क्या कहा? तुम मुझसे विवाह करने का प्रण करो तो मैं तुम्हें जंगली हाथी से बचाऊं। नहीं, ये मैं कदापि नहीं कर सकती। तो जंगली हाथी को आने दो। नहीं, वो आएगा तो हमें मार डालेगा। तो विवाह के लिए हाँ कर दो ना। नहीं, इस जन्म में तो नहीं करूंगी। अरे जल्दी हाँ करो, अन्यथा हाथी आकर तुम्हें। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मेरे अलावा यहाँ कोई भगवान नहीं है। जल्दी बताओ, तुम मुझे स्वीकार करती हो या हाथी के पैरों तले? स्वीकार करती हूँ स्वामी जी, मुझे स्वीकार है, हाथी को भगाइए। वहीं रुक जाओ। वो देखो, उसने मेरी आज्ञा का पालन किया, अब तो तुम विवाह रचाओगी। अभी नहीं, फिर कभी। फिर कभी क्या? हाथी इधर आओ। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे विवाह करूंगी। प्रण करती हो? प्रण करती हूँ। हाथी जाओ, मेरी वेली को परेशान मत करो। जान बची, चला गया यहाँ से। बल्ली, तुम भयभीत हो गई थी ना, चंद्रमा जैसा मुख कैसा लाल हो गया था। बूढ़े, मुझे हाथ मत लगाना।
पहली क्रोध कैसा, तुम मेरे साथ विवाह रचाने वाली हो ना? मैं? और तुमसे लज्जा नहीं आती ये बात कहते हुए? कुछ ही क्षण पहले तुमने स्वयं स्वीकार किया था ना? उस समय हाथी को देख के भयवश मैंने कुछ कह दिया होगा, तो क्या मैं तुमसे विवाह करूंगी? तो तुम मेरे साथ छल कर रही थी वेली? समझ लो शादी का सपना और उम्र तो देखो सोच समझ लो, अरे सोच समझ लो शादी का सपना और उम्र तो देखो सोच समझ लो, अरे सोच समझ लो। गजराज लौट आओ, वेली वचन से पलट गई है। अरे हाथी, हे भगवान मुझे बचाओ। हे भगवान रक्षा करो मेरी। हाथी, हे भगवान, हाथी मेरी रक्षा करो भगवान। अरे, कोई बच
अनुज, कब तक मैं इस तरह दौड़ता रहूंगा? मैं ये भारी पेट लेकर और नहीं दौड़ सकता। भ्राता, ऐसे समय में मेरा साथ मत छोड़िए। मैं सारे जंगल में उसे दौड़ा दौड़ा कर थक चुका हूँ। वो तो पक्षी की तरह उड़ने वाली चिड़िया है। वो थक चुकी है, अब आपको अधिक श्रम नहीं करना होगा। ठीक है, प्रारंभ किया है तो पूर्ण तो करना ही होगा। मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय मेरे साथ हो। अरे, तुम यहाँ पर? हे भगवान, मैं अपवित्र हो गई। अपवित्र हो गई? नहीं वेली, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। तुम अभी भी पूर्णतः पवित्र हो। क्या कह रहे हैं आप? इतना सब होने के बाद भी पवित्र हूँ? मेरा जन्म ही व्यर्थ हो गया। मेरे भाग्य में यही लिखा था। वेली, तुम अकारण दुखी हो रही हो। तो फिर क्या करूं? ये बूढ़े सुन लो, जन्म से लेकर आज तक साक्षात सुब्रमण्यम को अपना पति मानकर उनकी पूजा करती आई हूँ मैं। रात का समय हो या दिन का समय हो, महादेव के उस पुत्र का ध्यान करती आई हूँ मैं। उनका प्रेम पाने के लिए आज तक पवित्र रहकर अब तक का अपना सारा जीवन व्यतीत करती आई हूँ मैं। तुमने मुझे अपवित्र कर दिया। इस जन्म में उस पुण्य मूर्ति को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा तुमने मुझे। तुम्हारे द्वारा पवित्र किए हुए शरीर को मैं तुम्हें सौंपूंगी, ऐसा सोचना भी मत। इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। जाओ। वेली, वेली, तनिक यहां देखो। नहीं, चले जाओ यहाँ से। अपने मन के देवता को नहीं देखना चाहती? मन के देवता नहीं देखना? जाओ यहाँ से। हे भगवान, कहीं ये सपना तो नहीं? सपना नहीं है वेली, सच्चाई है। स्वामी, स्वामी, आपका भेष? शिकारी भी मैं ही था, चूड़ी वाला भी, और वृद्ध भी मैं ही था। तुमसे मिलने के लिए ये वेश बनाए। स्वामी, ये कैसी परीक्षा है स्वामी? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई थी? केवल इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी मुझसे प्रेम करने की भूल की थी। हर समय तुमने मेरी प्रार्थना करके मुझे व्यथित किया है। वेली, तुम्हारे अटूट प्रेम की साधना से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब इसी क्षण से हम एक हैं। ये शब्द सुनने के लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी प्रभु। तुम्हारी प्रतीक्षा और साधना का पूर्ण फल अब तुम्हें प्राप्त हो गया है। मैं आपको पाकर धन्य हो गई प्रभु। सत्य आनंद का ये संगम जाने, विष्णु स्वयं जाने, ब्रह्मा स्वयं, तीनों लोकों में खुशियां है छाई, गुणगानों से ये गूंजी सृष्टि, सत्य आनंद का ये संगम। पुष्प में
गंध वैसे ये संगम, बलि और प्रियवर का ये संगम। पुष्प में जैसे गंध वैसे ये संगम, बलि और प्रियवर का ये संगम। परमात्मा तुम जीवात्मा बलि, पावन स्वयंवर ये क्षण धन्य है। परमात्मा तुम जीवात्मा बलि, पावन स्वयंवर ये क्षण धन्य है, धन्य है। सत्य आनंद का ये संगम जाने, विष्णु स्वयं जाने ब्रह्मा स्वयं। तीनों लोकों में खुशियां है छाई, गुणगानों से ये गूंजी सृष्टि। सत्य आनंद का ये संगम, कुल धर्म रक्षार्थ युद्ध किए, वन राजा के आगे सर थे झुके। नाटक नायक तेरी जय हो, महिमा तेरी जाने बस तू, जाने बस तू। सत्य आनंद का ये संगम जाने, विष्णु स्वयं जाने ब्रह्मा स्वयं। तीनों लोकों में खुशियां है छाई, गुणगानों से ये गूंजी सृष्टि। सत्य आनंद का ये संगम। भोले शंकर के प्रिय पुत्र करुणामय, आपने मेरी पुत्री को अपना कर इस तुच्छ मानव का जीवन धन्य कर दिया। हम आपके आभारी रहेंगे प्रभु, आभारी रहेंगे, आभारी रहेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूं पुत्र, सब कुछ मंगलमय हो गया। तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो चुकी है पुत्र। आज से तुम अपने भक्तों को वरदान देने का कार्यभार संभालो। वेली और देवयानी तुम्हारे साथ स्थान ग्रहण करेंगी और तुम्हारे दर्शन के लिए आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगी। वेली, तुम यहाँ पर आ गई हो तो अब तुम्हारी बहन के मुख पर बड़ी प्रसन्नता आ गई है। अब इस वैकुंठ लोक में सदा आनंद और संतोष का वातावरण बना रहेगा। अब तुम दोनों मेरे कुमार को सदा प्रसन्न रखना। जगत का कल्याण करने वाले कार्तिक की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है प्रभु। आज मेरे जीवन में मेरी बहन वेली लौट आई है। आपके अपरंपार प्रेम के कारण ये संभव हो पाया नाथ। करुणामय, आप सदैव हम दोनों को अपने चरणों की दासी के रूप में अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिएगा स्वामी। नारायण नारायण। आहा, देव सेनापति, वेली देवी को प्राप्त करने में आपको जो भ्राता का सहयोग मिला है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। देवर्षि, स्वागत है। हमारे अभिषेक समारोह में आपका इस तरह उपस्थित होना किसी खास प्रयोजन से है? करोड़ों भक्त आपके दर्शन के लिए राह देख रहे हैं, इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है। आहा, तीनों लोक में आनंद की किरण की तरह चमकने वाला ये शुभ अवसर, ये सुंदर दंपत्ति को देखकर सारा संसार मोहित हो उठा है। उन्हें दर्शन देने की कृपा करें। सर्वशक्तिमान सौंदर्य मूर्ति, आपका संसार में स्वागत है। अगले गुरुवार को हम आपके घर आएंगे। भगवान ने अगर चाहा तो उसी दिन मिलजुल कर हम सारी बातें तय कर लेंगे। सारी बातें तो हम पहले ही तय कर चुके हैं, अब फिर से क्या तय करना है? तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, ये तो भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। तुम्हारा बेटा यानी मेरा होने वाला दामाद मेरे बेटे जैसा ही है। हम भी आपकी बेटी राजेश्वरी को अपनी बेटी जैसी ही मानते हैं। वो तो मैं जानता ही हूँ। उसके डॉक्टर बनने के बाद कितने घरों से रिश्ता आया है जानते हैं आप? कोई कहता है 50 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, लड़की को 50 तोला सोना देंगे, ये तो रोज का है।
लेकिन हमने ना कहा क्योंकि हमने तो राजेश्वरी मेरी इकलौती संतान है, हमारा जो कुछ भी है वो सब का सब उसी का तो है। वो तो हम भी जानते हैं लेकिन दुनिया के सामने रीत तो निभानी पड़ती है। सही कहा तुमने, अगले गुरुवार को हम जब आएंगे तो 50,000 रुपए अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है? कम से कम कितना गहना देंगे इसका फैसला कर लेते हैं, मैं मांग नहीं रहा लेकिन दुनिया वालों को जवाब तो देना होगा ना। मैंने कह दिया ना, हमारा जो कुछ भी है वो सब उसी का है। तुम्हें कितना गहना चाहिए ये सोचकर बता दो। आप ही सोचकर बता दीजिए, औलाद से बढ़कर गहना पैसा थोड़ी ना होता है, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए। वैसे तो बचपन से ही वो तुम्हारी हो चुकी है, अब तो सिर्फ फेरे लेने ही बाकी है। आप ठीक कह रही हैं। बचपन से दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं, अब माँ बाप होने के नाते हमें तो सिर्फ औपचारिकता पूरी करनी है। तो फिर गुरुवार को मिलते हैं। राजेश्वरी नजर नहीं आ रही, घर पर ही है, यहीं कहीं होगी, मैं अभी बुलाती हूँ। राजेश्वरी, बेटी राजेश्वरी, नीचे आओ बेटी। आओ बेटी, जल्दी आओ। इतना शर्मा क्यों रही हो बेटी, हम कोई गैर हैं क्या? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है बेटी, आओ आओ ना बेटी। हम लोग जा रहे हैं। हाँ, सुकुमार से अगर कुछ कहना है तो चुपके से मेरे कान में कह दे। तुमने तो आते ही बेचारे को भगा दिया, अब वो अपनी माँ के सामने भी नहीं आएगी। अच्छा हम लोग चलते हैं। अपना ध्यान रखना। हाँ एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, शादी की व्यवस्था मैं कुमार मंदिर में करूं ऐसा मेरा विचार है, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अरे भाई इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अच्छा हम चलते हैं। आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। हमारे साथ मेहमानों जैसा व्यवहार मत करो, हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, अच्छा चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी नमस्कार। नमस्ते। हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, लड़की का रिश्ता भी तय हो गया। क्यों जी, आपको कोई शक था क्या? ये बात तो बचपन में ही तय हो चुकी थी। बचपन में तय हुए रिश्ते कितनी बार टूट भी जाते हैं। सुनो जी, मुझे तो इस रिश्ते में कभी ऐसा नहीं लगा। कुछ भी हो, साक्षात परमात्मा ही ये सब कर रहे हैं, अब सब मंगलमय होगा। सुनिए जी, आपने वो गहने वाली बात करके अच्छा नहीं किया। उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे जो कहना है साफ कहता हूँ, बाद में टेंशन नहीं चाहिए। इसमें कैसी टेंशन, वो उनकी इकलौती संतान है, दुनिया भर की जमीन जायदाद है, लड़की को जो देना है वो लोग अपने मन से दे देंगे। तुम्हारी बात भी ठीक है लेकिन शुरुआत में ही सारी बात हो जाए तो अच्छा रहता है, आखिर रीति रिवाज के हिसाब से ही बात की है ना, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? देखो मैं तुम्हें कह देता हूँ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। आइए आइए, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। भारती, हाईकोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है यही लड़ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुम जाकर कॉफी लेकर आओ, आप बैठिए ना। बताइए कोई विशेष काम था, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आया था। और हमारे केस का क्या हुआ? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ खास काम था? जी हाँ, आपसे एक खास बात कहने के लिए आया हूँ। खास बात कहने के लिए? जी हाँ, अपने केस का फैसला होने तक प्रॉपर्टी के कागजात रखकर आप बैंक से किसी भी तरह का लोन नहीं ले सकते, ये कोर्ट का ऑर्डर है। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कोशिश की फिर भी कोर्ट ने मेरा कहना नहीं माना, ये लीजिए कोर्ट का ऑब्जेक्शन ऑर्डर। ये मुझे देने से क्या फायदा वकील साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए ये बताइए। ऑब्जेक्शन ऑर्डर को तो हम स्टे करा सकते हैं पर हमारी इस प्रॉपर्टी पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ये हमें साबित करना होगा। परंतु इसमें तो काफी समय लग जाएगा वकील साहब। जितनी जल्दी हो सके प्रूफ जमा करने की कोशिश कीजिए, कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। 2 महीने लग जाएंगे और तब तक मैं बैंक से पैसा नहीं निकाल सकता? नहीं। हे भगवान, मैंने तो उसे अपना समझकर यहाँ लाया था, उसकी परवरिश की, पाला पोसा, उसको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, बिजनेस करना चाहता था मैंने, वो भी करवा दिया, अब वो मेरे साथ ऐसा करेगा सोचा भी नहीं था। अब ये सब सोचने से क्या फायदा, ये सब करने से पहले एक बार भी मुझसे सलाह ली होती तो मैं ऐसा नहीं करने देता। आजकल किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगले सप्ताह मेरी लड़की की शादी तय हो रही है और शादी भी जल्दी करनी है,
कुछ भी करके मुझे बैंक से पैसे तो निकालने ही पड़ेंगे। ऐसा हो पाएगा मुझे नहीं लगता, आपको कहीं और से पैसों का इंतजाम करना होगा, नहीं तो शादी आगे बढ़ानी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शादी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो शायद आगे शादी हो ही ना पाए। मैं तुरंत उसके लिए अर्जी दे देता हूँ, उसी कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए मैं यहाँ आया था। मैं कहीं भी साइन करने के लिए तैयार हूँ। अगर अगले हफ्ते तक बैंक से पैसे निकालने की परमिशन मिल जाए। कुछ कह नहीं सकते, देखिए कम से कम 2-3 हफ्ते तो इसकी बहस में निकल ही जाएंगे, उसके बाद क्या होता है किसको पता। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। क्या हुआ, क्या बात है, आखिर ऐसा क्या हुआ? भगवान, हमारी परीक्षा ले रहा है भारती। क्या बात हुई बताओ तो। जिसे हमने अपना समझा उसी ने धोखा दे दिया। सत्यवान, उसने क्या किया? उसका कहना है कि हमारी जमीन जायदाद में उसका भी अधिकार है, जब तक कोर्ट से फैसला नहीं होगा तब तक बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, ऐसा उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है और कोर्ट ने उसकी बात मान ली, जिससे कि हमारे हाथ पैर बंद गए हैं। हे भगवान, गुरुवार तक शगुन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, और भी काम के लिए पैसे चाहिए, गहने खरीदने हैं, शादी का सब खर्च मिलाकर अगर हम जोड़े तो 2.5-3 लाख तो लग ही जाएंगे। भगवान हमें ऐसी सजा क्यों दे रहा है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया? जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ना तो मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है, ना ही किसी को धोखा दिया, यहाँ तक कि मैंने सबकी मदद ही की है, और मैंने सबसे ज्यादा जिसे अपना माना उसी ने धोखा दिया। क्या ये भगवान नहीं देख रहा? कैसे भी गुरुवार तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अब तो भगवान ही हमारी इज्जत बचा सकता है। अब तो चाहे कुछ भी करना पड़े हमें फर्ज तो निभाना पड़ेगा। क्या करूं कुछ समझ नहीं पा रहा। हमारे अच्छे समय में जरूरत पड़ने पर हमने कितने लोगों की मदद की थी, अब वो सब अच्छी हालत में हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनसे कुछ मदद ले ले, भले ही कर्ज के रूप में? पता नहीं, जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का अवसर नहीं आया था। भगवान की अगर यही इच्छा है तो यही सही। हे भगवान, हे कार्तिकेय, रात दिन हम तुम्हारी ही भक्ति करते हैं, फिर भी तुम हमारी ऐसी परीक्षा ले रहे हो, बताओ क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? हे प्रभु, मैं क्या करूं? आप उसकी करुण पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं प्रभु? समय नहीं आया देवी, अभी बहुत कुछ समझना शेष है देवी। वो एक अच्छे मानव है, संसार में कितने गरीबों की सहायता की है। दान पुण्य करना तो अच्छी बात है, किंतु अच्छे बुरे को पहचान कर पुण्य करना उन्हें नहीं आता, यश और प्रसिद्धि के लिए ही उन्होंने ये सब किया है, अनेक लोगों की सहायता की, जो बुरे हैं उनका भी साथ दिया, जो विवश हैं उनकी सहायता करना ही दान पुण्य है। करुणामय, आप जानते हैं कि उसने कुछ पाने की आशा रख के कभी कुछ नहीं किया। दान पुण्य करने वालों का अगर भगवान साथ नहीं देंगे तो उनका क्या होगा प्रभु? वो जिन्हें अपना समझते हैं उन्हीं की सहायता करते हैं। मामा जी, मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा जो साथ दिया था मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। आपके ऐसे वक्त में साथ देना मेरा कर्तव्य बनता है, मैं साथ देना भी चाहता हूँ, लेकिन हाँ कहो क्या बात है। मेरी बहन की भी शादी इसी महीने में होने वाली है, ये बात मैं आपको बताने भी वाला था, अब उसी बहन की शादी के पैसे के लिए चारों तरफ भागदौड़ कर रहा हूँ, अब बताइए मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, 1-2 महीने बाद होता तो मैं जरूर कुछ करता मामा जी। अगले गुरुवार तक अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद कोई फायदा नहीं। इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है मामा जी, आप कहीं दूसरी जगह कोशिश करके देख लीजिए। ठीक है। बेटी तुम जरा अंदर जाओ। क्या हुआ, सब मिले कि नहीं मिले? हाँ मिले, अब सिर्फ एक से ही मिलना बाकी रह गया है। किससे? भगवान से, बाकी सभी ने तो हाथ उठा दिया। कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है क्या? हमने कितनों की मदद की है, हमारे यहाँ से न जाने कितने लोग पैसे लेकर गए हैं, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त आया तो कोई साथ देने को तैयार नहीं। भारती, मैंने कल ही कुमार के तीर्थ स्थान पर जाने का फैसला कर लिया है। कल? हाँ भारती, कल शुभ दिन है। क्या बात कर रहे हैं, गुरुवार को शादी की तारीख तय करनी है। शादी की तारीख तय करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। भारती, अब ये उम्मीद छोड़ देना ही अच्छा होगा।
हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये बात लड़की को पता चलेगी तो कितनी दुखी होगी मैं सोच भी नहीं सकती। सारे दुखों के निवारण के लिए अब सिर्फ भगवान ही बचे हैं। हम कुमार के तीर्थ स्थल पर जाकर अपना सारा दुख और तकलीफ उनके चरणों में रख देंगे। कमलाक्षी, कमलाक्षी, क्या है जी? कुछ सुना तुमने? अरे सब काम उल्टा हो गया है। कौन सा काम? शादी वाला काम। क्या क्या हो गया? पद्मनाथन की सारी प्रॉपर्टी पर कोर्ट ने ऑब्जेक्शन ऑर्डर लगा दिया है। क्या मतलब? अरे ना समझ, अब एक रुपया भी बैंक से वो नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों? तेरा सर। अरे वो उनका भांजा है ना, सत्यवान, उसी ने उनके ऊपर केस किया है। लेकिन इसका शादी से क्या लेना देना? क्या लेना देना, पैसे के बिना शादी कैसे हो सकती है? आने वाले गुरुवार को पैसा नहीं देंगे तो हम लोग शादी कैसे तय करेंगे? क्यों नहीं तय कर सकते? पैसा तो वो बाद में भी दे सकते हैं। बाद में भी दे सकते हैं, जब जो मिलना है। अगर तब वो नहीं मिला तो ये शादी कभी नहीं हो सकती, समझे? देखिए जी, मैं आपसे कहती हूँ, भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। पैसे से बड़ा होता है इंसानियत का रिश्ता। इतना ही नहीं, हमारा बेटा उस लड़की से बहुत प्यार करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा अगर नहीं मिला तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, ये निश्चित है। चाहे जो भी हो, गुरुवार के दिन वो लोग आएंगे ना। देखो, जो मैंने सुना है अगर वो सच है तो उनका आना नामुमकिन है। मुझे अपने लड़के के लिए कहीं और रिश्ता देखना होगा। अब बेकार की बातें मत कीजिए जी। मेरी वजह से पिताजी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ना। तुम्हारी वजह से नहीं बेटा, मैं अपने मन की शांति के लिए वहां जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इस घर की जिम्मेदारी सब आप ही पर तो है पिताजी। मैं जीवन भर कुमारी रहूं कोई दुख नहीं। बेटी, कुमार के तीर्थ स्थल पर जो हम दर्शन के लिए जा रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है बेटी। एक हफ्ते में हम वापस आ जाएंगे, तब तक तुम अपना ख्याल रखना बेटी और खुश रहना। पिताजी। बेटी, अच्छे काम से जाते समय रोया नहीं करते, आंसू पोछ लो और हम लोगों को खुशी खुशी जाने दो, भगवान सब ठीक कर देगा। हम लोग एक हफ्ते में जाकर वापस आ जाएंगे। ये हुई ना बात? मैंने पहले ही कहा था कि वो नहीं आने वाला है। आखिर मेरी बात सच निकली ना, क्योंकि इस वक्त वो परेशानी में है। 50,000 क्या, वो तो 50 रुपए भी नहीं दे पाएगा। हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आज गुरुवार है ना, बुध को ही आने वाला था वो, अभी तक तो वो आया नहीं। अब भूल जाइए कि वो आएगा। आखिर इंसान है वो, उचनीच तो हो ही जाती है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कमलाक्षी बहन, मैं सब कुछ जानने के बाद ही इतने दावे के साथ कह रहा हूँ, उससे दहेज लेकर अपने बेटे की शादी करना तो भूल ही जाओ। कुछ लिए बगैर शादी करना है तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ की शादी का खर्च तुम्हें उठाना पड़ेगा। पंडित जी, वैसे मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। यही बात तो मैं भी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक रिश्ता तुम्हें बताता हूँ। 1,00,000 रुपए तो नगद देगा वो, और सोना इतना कि लड़की का शरीर ढक सकते हैं आप। सिर्फ इतना ही नहीं, एक शानदार बंगला भी लड़की के नाम कर रखा है। अब बोलो। देखिए, फिर भी कुछ देर और देखते हैं, अगर नहीं आए तो। पिताजी। क्या है? कहीं और रिश्ता मत करना। है? तू कौन है मुझे समझाने वाला? मैं समझा नहीं रहा हूँ पिताजी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उस लड़की के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकती। आह, तो ये बात है। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसका ये सिला दे रहा है तू मुझे? अगर तेरा यही फैसला है तो सुन ले, आज शाम तक अगर वो लोग नहीं आए तो ये शादी नहीं होगी, याद रखना। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। क्या कहा तूने? मुझसे जुबान लड़ा रहा है? तू डॉक्टर बन गया तो अपनी मनमानी करेगा? जी, ये आप क्या कर रहे हैं जवान बेटे? तुम जाओ यहाँ से, तुम और तुम्हारा ये बेटा दोनों बदतमीज हो, जाओ यहाँ से। हाँ पंडित जी, आज अगर वो लोग नहीं आए तो दूसरी जगह रिश्ते की बात करना, ये मैं कह रहा हूँ। देखता हूँ माँ बेटे मुझे कैसे रोकते हैं। बेटा, तू क्यों फिकर कर रहा है? तू अपने पिताजी की आदत जानता है ना, पैसों की बात आती है तो वह सारे रिश्ते भूल जाते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। पिताजी भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता माँ। मैंने फैसला कर लिया है, मुझसे जो कुछ होगा मैं उनकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता। मैं भी नहीं भूल सकती, इससे अच्छा रिश्ता हमारे लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बेटा बेटा, तू एक काम कर, इस वक्त वो लोग न जाने किस हालत में होंगे, तू जाकर उन्हें दिलासा दिला। मैं उन्हें कैसे दिलासा दूं माँ? तुझे देखते ही उन लोगों को तसल्ली हो जाएगी,
तू जा, सारी बातें उन्हें साफ साफ बता देना। क्या बात है राजेश्वरी, मुझसे नाराज हो क्या? मैं कौन होती हूँ तुम पर नाराज होने वाली? मैं सब जानता हूँ राजेश्वरी, तुम लोगों पर इतना बुरा वक्त आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे पिताजी से मिले बगैर तुम्हारे पिताजी इस तरह चले गए, बड़े दुख की बात है। मेरे पिताजी कितने स्वाभिमानी हैं ये जानते हो ना? सब कुछ गंवा दो मगर स्वाभिमान मत गंवा, ऐसा मेरे पिताजी का कहना है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी पैसों के मामले में पहले से ही बड़े कठोर हैं। तुरंत अगर शादी नहीं हुई तो शादी टूट जाएगी, है ना? वो तो होना ही है, जिसके पास आज कुछ भी नहीं है उसके साथ अगर ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो राजेश्वरी, मुझे गलत मत समझना, बड़ों की इज्जत और आदर करना भी तो हम छोटों का कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं पिताजी से। अरे रे, ये मैंने कब चाहा कि बाप बेटे में कभी झगड़ा हो, और मैं कभी चाहूंगी भी नहीं। शायद तुम मुझे अभी समझ नहीं पा रही हो राजेश्वरी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। तुम्हारे सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, यही सच है। क्या मैं यकीन कर लूं? मुझ पर यकीन रखो, दूसरी कोई मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई तो मैं सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। प्रभु, और विलंब करना उचित नहीं होगा, उस बेचारी को देखिए आंसुओं के सागर में डूब रही है वो। ठीक है, भक्त का कर्तव्य भक्ति है, तो हमारा कर्तव्य उनकी रक्षा, उनके प्रेम को बचाने के लिए हम भूलोक चलेंगे। चलो। मैं बिल्कुल सही समय पे आ गया हूँ। लेकिन जिसको आना था वो अभी तक नहीं आए, देखो अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। देखिए जी, भगवान के लिए मेरा कहना मान लीजिए, आज अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो कल हमें पछताना भी पड़ सकता है। अरे हम क्यों पछताएंगे, वादे के मुताबिक उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था, शाम होने तक हमने इंतजार किया ना, वो अभी तक आए क्यों नहीं? लेकिन उनकी आए क्या हालत को समझते क्यों नहीं? वो समझने की मुझे कोई जरूरत नहीं, वो जुबान से पलट सकते हैं तो मैं भी पलट सकता हूँ, क्यों पंडित जी? और नहीं तो क्या, इसमें आपका क्या दोष? आपसे ज्यादा ये बात उन्हें सोचनी चाहिए, उन्होंने नहीं सोचा। वो लोग नहीं आए मतलब रिश्ता नहीं करना, बात खत्म। शायद वो लोग आ गए। आओ बहन, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम लोगों को आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए ये जिम्मेदार है। कोई बात नहीं, आप आ गए यही बहुत। हम नहीं आएंगे यही सोच रहे थे क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रखो ये सब, सोना चांदी ही है ना? सब कुछ है, शादी विवाह का घर है, सोना चांदी नजराने में देते हैं ना, काफी है या और चाहिए? नहीं नहीं, इतना बहुत है। नहीं चाहो तो और मिल जाएगा, कोई कमी रह गई ये मैं नहीं सुनना चाहता। ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। जजमान तो फिर मैं चलता हूँ। तुम अभी तक गए नहीं? ये कौन? बस ये ऐसे ही मुझसे मिलने आए थे। देखो तुम्हारा वो काम नहीं हो सकता, मेरा दिमाग मत चाटो। हाँ तो आप आए खुशी की बात है, बैठिए ना। कमलाक्षी ऐसे खड़ी क्यों हो, जाओ कॉफी लेकर आओ। रहने दीजिए, अभी कॉफी की इच्छा नहीं है। तो आप ही बता दीजिए आप क्या लेंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ, बैठिए तो सही। बैठने के लिए समय नहीं है, वादे के मुताबिक रस्म अदा करनी थी इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, खोल के देख लीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं? वो क्या है ना, पैसे के मामले में कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये आप ही का कहना है ना। तो हम चलते हैं, अगले शुक्रवार को कुमार के तीर्थ स्थान पर आप लोगों को पहुंचना है, जितने बारातियों को ला सकते हैं ले आना, सबके लिए वहां पर इंतजाम हो जाएगा। तो फिर हम मंदिर में ही मिलेंगे। कुछ खाए पिए बगैर ही आप जा रहे हैं? हम घर से खाकर आए हैं, यहां से कहां सीधे घर जा रहे नहीं, हैं? नहीं मंदिर पर, और शाम से पहले हमें वहां पहुंचना भी है, हमसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, सुनो इतना सारा सोना चांदी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, ये सब असली लगता है ना? तुम क्या कहती हो है? लगता है यहाँ किसी की शादी हो रही है।
किसी भाग्यवान के बच्चे की शादी हो रही होगी। इसी मुहूर्त पर हम अपनी बेटी की शादी कराना चाहते थे ना? सब भगवान की कृपा है भारती। भगवान, तुमने मेरी बेटी की शादी कितने धूमधाम से करवाई। ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था प्रभु? इसमें आश्चर्य कैसा, आप उनके परम भक्त हो ना। अपने भक्तों के लिए भगवान कब क्या कर दे कौन जान सकता है। मेरे भगवान, मेरे कार्तिकेय, कर्मदाता, हे प्रभु। जय हो प्रभु। अरे बेटा, क्या बात है बेटा, आज तेरे चेहरे पर उदासी क्यों? मेरा चेहरा ही नहीं माँ, मेरा मन भी उदास है। क्या हो गया बेटा? अब क्या होना बचा है जो मैं तुमसे कहूँ? तू पहेलियाँ मत बुझा। आज मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा, बहुत भटका पर कोई काम नहीं मिला। इसके लिए तू क्यों दुखी हो रहा है? दुखी नहीं हूँ तो और क्या करूँ, कितने दिनों से नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। कम से कम एक प्यून की नौकरी तो मिल ही सकती थी मुझे, पर मेरे नसीब में वो भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, शायद हमारा वक्त ही बुरा चल रहा है। बुरा वक्त टल जाएगा तो अच्छा वक्त भी आएगा। वो दिन न जाने कब आएगा माँ। मैं हर दिन कार्तिकेय भगवान की प्रार्थना करता हूँ, इसके बाद भी मेरी बदनसीबी क्यों दूर नहीं होती, लाख सोचने के बाद भी समझ में नहीं आता है। भगवान के दिल में क्या है ये हम कैसे समझ सकते हैं बेटा, वही बेड़ा पार करेगा, हमें वक्त का इंतजार करना होगा। इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता माँ, मुझे लगता है इस गरीब के आंसू देखने के लिए भगवान के पास वक्त ही नहीं है। ऐसी बात नहीं करते बेटा, भगवान कभी गरीबों का हाथ नहीं छोड़ता, अच्छे दिन जरूर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कल षष्ठी का पावन पर्व है ना बेटा, तू नहीं जा रहा है? वहां तो मैं जाऊंगा ही माँ, मुझे कितने भी दुख झेलने पड़े मैं भगवान पे भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। बेशक नहीं छोड़ना, इतने सालों के बाद भगवान ने मेरी सोनी को भर दी और तुझे बेटे के रूप में दिया। कितना ही बुरा वक्त आ जाए, हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान के चरणों में सिर अवश्य झुकाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ओहो, तुम जल्दी से जाओ, वो तुरंत खजाना खोल के देगा। भगवान का अनादर करना बहुत बड़ा पाप है लक्ष्मी। ये बात नहीं है माँ, मैंने गलत भी नहीं कहा, भगवान ने हमें दिया ही क्या है, दिन भर मेहनत करने के बाद भी दुख दर्द ही दिया है, कम से कम भगवान एक नौकरी ही दिला देता तो। ऐसा मत कहो बेटा, हमारा ही वक्त बुरा चल रहा है तो भगवान को दोष क्यों दे। सच्चे मन से पुकारो तो कार्तिकेय कभी अनसुना नहीं करेंगे। इतने दिनों से माँ बेटे उसकी पूजा कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसने नहीं सुना। शायद अभी हमारा वक्त नहीं आया होगा। आखिर वो वक्त आएगा कब, हम सब लोग भूख से मर जाएंगे उसके बाद।
तू बहू की बात से नाराज मत होना, वो तो परेशानी की वजह से यूं ही बड़बड़ाती रहती है। वो सच में बहुत परेशान है माँ, मैं ठीक से अपने परिवार वालों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें तेरी क्या गलती है, ये तो सब भाग्य का खेल है। कुछ भी हो जाए अभी तो मंदिर जा रहा हूँ, 20-25 मील सफर जो करना है। चलता हूँ माँ। भगवान तेरी इच्छा पूरी करे, अपना ख्याल रखना। माँ वो गए क्या? षष्ठी का त्योहार है इसलिए मंदिर गया है। बिना पैसे के इतने दूर जाएंगे कैसे? पैदल चलकर जाएगा। क्या इतने दूर चल के जाएंगे? अजी सुनते हो? बोलो क्या बात है? कुमार के मंदिर तक तुम पैदल ही जाओगे क्या? यही किस्मत में लिखा है तो क्या करूं? पर जाओगे जरूर है ना? हाँ वो तो है, चाहे कुछ भी हो जाए षष्ठी का त्योहार नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में अगर भूख लगेगी तो तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे है क्या? कल से षष्ठी का त्योहार शुरू होगा इसलिए रात से यहाँ से निकल रहा हूँ, रात को कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप रख लीजिए, अभी इतने ही है मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए लक्ष्मी, घर खर्च के लिए तुम अपने पास ही रखो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आपका दुख तकलीफ मेरी नहीं है? ये लीजिए, इसे रख लीजिए। नहीं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है लक्ष्मी। चाहे कुछ भी हो भूख लगेगी तो खाने के लिए पैसे लगेंगे ना, इसे रख लीजिए आप। ये मैं दे रही हूँ ना। तुम कहती हो तो मैं भी साथ चलना चाहती थी, लेकिन अगर मैं साथ चलूंगी तो बताइए माँ का क्या होगा? क्या क्या तुम भी मेरे साथ मंदिर चलना चाहती हो? क्यों नहीं चल सकती? भले ही मैं मुंह से कुछ न बोलूं, माफ तो वो ही करने वाला है। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। के आप सुन रहे हैं ना, मेरी माँ बचपन से आपकी आराधना करती आई है, उसकी आत्मा का दुख दूर कर दो भगवान, इसके सिवा मैं क्या मांग सकता हूँ? जन्म देने वाली माँ के आंसू पोछ सकूं, उसकी सेवा कर सकूं, ऐसा सौभाग्य मुझे प्रदान करो भगवान, मुझे निराश मत करना। भगवान अब तू ही हमारा रखवाला है। माँ जी हाँ? खाना परोस दिया है, खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। क्या बात है माँ जी, आप मुझसे नाराज हैं? नाराज हूँ किस बात पर? आपके बेटे को मैंने गुस्से में कुछ कह दिया था इसीलिए आप मुझसे नाराज हैं। मैंने जो भी कहा उसमें गलत क्या था माँ जी? इतना पूजा पाठ करके आखिर मिला क्या? भगवान किस वक्त क्या दे दे कौन जानता है बेटा। भगवान जिस दिन अपनी आँख खोलेगा उस दिन हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दुख उठा के घुट घुट के मरने के बाद ही वो दयावान क्या अपनी आँखें खोलेगा? तू भगवान का इतना अनादर क्यों करती है बहू? मैं जो कहती हूँ आपको गलत लगता होगा लेकिन भगवान भी सिर्फ अमीरों की सुनता है, गरीबों की भी सुनता है हमारा भगवान, कार्तिकेय भगवान। हो सकता है, फिर भी चलिए माँ जी खाना खा लीजिए। मुझे खाना नहीं खाना बेटा, मेरा बेटा वहाँ भूखे पेट प्रार्थना में लगा होगा, अगर भूख लगेगी तो कुछ खरीद कर खा ले, इतना पैसा तक नहीं है उसके पास। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी मेरे पास था रास्ते के खर्च के लिए मैंने उन्हें दे दिया है। क्या कहा, सच बहू? आपको झूठ लग रहा है ना?
मैं थोड़ी कठोर हूँ, शायद आपने इसीलिए ऐसा सोचा होगा। माँ जी, वो नौकरी की तलाश में सारा दिन भटकते रहते हैं तो मेरा कलेजा फटता है। वो मेहनत करके अपनी माँ और मुझे संभाले, मैं यही देखना चाहती हूँ, और यही देखने के लिए शायद मैं जिंदा हूँ। लेकिन मेरी बेटी, मैं तुझे आज मान गई। मैंने भी तुझे कभी भला बुरा कहा होगा तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ जी, माँ की डांट का बच्चे कभी बुरा नहीं मानते। चलिए माँ जी, खाना खा लेते हैं, चलिए। हाँ चलो। मेरे पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो यहीं पर रखे थे। लगता है नहाते समय कोई मेरे पैसे लेकर चला गया। भगवान, आज मुझे पूरा दिन भूखा ही रखना चाहता है क्या? अगर तेरी यही इच्छा है तो फिर यही सही। मेरा सिर चकराने लगा। ऐसी हालत में मैं घर तक कैसे जाऊंगा? Mm-hmm.
शिव कुमार, शक्ति सागर, मेरा एक थका हारा भक्त मेरे द्वार पे सो रहा है, ये मुझे उसे सौंपना है। उसकी भूख शांत होने के बाद ही मैं ये आहार ग्रहण करूंगा। स्वामी, ये कार्य मैं करूंगी, क्योंकि बच्चों को भोजन देने का दायित्व तो माँ का होता है। मैं जाती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। ले जाओ। सुनो पुत्र, उठ जाओ। थकान से शायद आंख लग गई थी। भूखे पेट रहोगे तो थकान तो लगेगी ही। सच है, लेकिन भूखे पेट सोने की क्या आवश्यकता है? पहले भोजन कर लो, फिर सो जाओ। मैं एक गरीब इंसान हूँ, बिना खाए भूखा ही सो सकता हूँ। चिंता मत करो, लो भोजन कर लो। अरे नहीं माता, आप मंदिर का प्रसाद अपने घर ले जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी इच्छा से दे रही हूँ, खा लो। पर मुझे इतना सब नहीं चाहिए। जितना चाहिए उतना खा लो, बाकी मैं आकर वापस ले जाऊंगी। अरे ये चांदी के बर्तन यहाँ छोड़कर मत जाइए माता। तो क्या हुआ, तुम लेकर थोड़ी जाओगे? मैं चोर नहीं हूँ माता। मैं जानती हूँ, तुम यहीं बैठकर आराम से भोजन करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप थोड़ी देर और रुक जाइए ना, ताकि प्रसाद निकालकर बर्तन आपको वापस कर सकूं। नहीं, मेरे पति देव ने अभी तक भोजन नहीं किया है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा भोजन परोस कर देने के लिए। मैं चलती हूँ। वापस जा रही हैं मंदिर के अंदर? हाँ, मेरे पतिदेव वहीं पर भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंदिर के अंदर? हाँ, हम लोग इसी मंदिर में ही रहते हैं। अगर आप ये बता देंगी आप कहाँ रहती हैं, तो मैं ये सारे बर्तन वहीं पहुँचा दूंगा। ये संभव नहीं है, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ऐसी कौन सी जगह है माता? तुम भोजन करो, मुझे देर हो रही है, मेरे पति मंदिर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंदर रखा हुआ प्रसाद और बर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने कहीं देखा क्या? हे रुको रुको, यही वो बर्तन है, बदतमीज कहीं का। भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद और उनका बर्तन मंदिर से उठाकर यहाँ लाकर खा रहा है। अरे तेरी इतनी हिम्मत! ये बर्तन मैं नहीं लाया था, एक माता यहाँ पर आई थी, वो ये बर्तन देकर गई थी। माँ ने दिया? भगवान को चढ़ाया हुआ भोग वहाँ से लाके तुझे माने दिया? झूठ बोल दे कि ये खाद होती है। अरे रे रे, ये बर्तन मैं लेकर नहीं आया। छी चोपरा, तेरी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है, चोर कहीं का। तू चोर है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इधर आ, ये बर्तन यहाँ से उठा करके साफ करके अंदर रख। जी अच्छा। चल बे, तू और तेरी माँ चल। अरे सुनिए, आजा चल। वो यही है क्या? जी हाँ। देखो, तुम सच कहोगे तो छोड़ देंगे, तुमने ऐसा नीच काम क्यों किया? भगवान के मंदिर में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भूखा प्यासा था, बाहर सो रहा था, तभी एक माँ ने जगाकर मुझे ये खाना दिया। तुम ये सफेद झूठ बार बार बोलोगे तो कौन विश्वास करेगा? एक माँ ने चांदी का सारा बर्तन बिना जान पहचान के तुम्हें कैसे देकर गई? ऐसी कौन सी माँ है वो? वो सब मैं नहीं जानता, पर उनका चेहरा चांदी की तरह चमक रहा था। वही माँ मुझे बर्तन के साथ खाना देकर गई। मैं तो ये खाना खाकर उसके बाद दूध पी ही रहा था, तभी इन लोगों ने आकर मुझे पकड़ लिया। चलो ठीक है,
अगर तुम सच कह रहे हो तो अपनी माँ को बुलाओ, वो आएगी तो तुम छूट जाओगे। ये तो चेहरे से ही चोर की तरह लगता है। किसकी आज्ञा से मंदिर में गया और तेरी भगवान का प्रसाद खाने की हिम्मत कैसे हुई? इसको घोड़े को मारने वाले हंटर से मारना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। अरे रे, मैंने चोरी नहीं की है, भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए। भगवान की षष्ठी के त्योहार पे इस पावन मंदिर में आने की मुझे ये सजा मिलेगी, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। बंद कर अपनी नौटंकी, एक तो चोरी करता है ऊपर से झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, झूठा कहीं का। ए मैनेजर, इस चोर को तुरंत पुलिस के हवाले कर दो। भगवान, मैं चोर नहीं हूँ, तुम तो ये बात जानते हो, मेरी रक्षा करो। मुखिया जी, क्या है? मैंने जो बर्तन साफ किए थे वो गायब। कहाँ गया? सुनो, बर्तन और प्रसाद सब भगवान के सामने ही हैं। क्या? हमने इस आदमी को कितना गलत समझा, जो हुआ वो भगवान का चमत्कार था। नहीं, भगवान का नहीं, ये माँ का चमत्कार था। जी हाँ, बिल्कुल सत्य, वो माँ हम सबकी माँ थी। उसने अपने एक भक्त को भूखा देखकर ऐसा किया होगा। माँ ने जिसे अपने हाथों से खाना दिया वो साधारण मानव नहीं हो सकता, वो उसका सच्चा भक्त होगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। अरे रे, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक गरीब हूँ, कभी कभी खाना नहीं मिलता तो भूखा सोना पड़ता है। अब नहीं, तुम्हारा पेट भरने के लिए भगवान ने स्वयं अपना भंडार खोल दिया है बेटा, तुम्हारा भाग्य बदल दिया, साक्षात भगवान के तुम परम भक्त हो। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं नहीं, तुम जैसे इंसानों के लिए नौकरी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे पूरे स्टेट के बिजनेस मैनेजर होगे बेटा। भगवान, मैंने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया उसके प्रायश्चित के लिए मुझे एक मौका दो बेटा। कार्तिके, अगर आपको एतराज ना हो तो घर के अंदर चलिए। एतराज कैसा, मुझे खुशी होगी। हाँ? आइए आप बैठिए। हम लोग गरीब हैं ना, ठीक तरह से आपकी आवभगत भी नहीं कर सकते। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो माँ, ये बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनका नाम दुर्गादास है माँ। बहन जी, आपके बेटे की भक्ति के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी देने का वादा किया है माँ। सच बेटा, सेठ जी आप हमारे लिए भगवान हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, साक्षात कार्तिकेय भगवान ही इसे नौकरी दिला रहे हैं, मैं तो केवल माध्यम मात्र हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, कल सुबह से काम पे आ जाना। आप आए और हम आपको एक कप चाय तक नहीं पिला पाए। तो क्या हुआ, फिर कभी आके पी लूंगा, अभी चलता हूँ मैं। जी नमस्ते। 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 अच्छा बेटा, इनसे तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? सब कुछ उसी की महिमा है माँ, लेकिन ये सब फिर कभी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा माँ। जय कार्तिके। हे भगवान, हे रखवाले, तूने हमारे परिवार को बचा लिया। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना।